राजधानी दिल्ली में लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की 27वीं शहादत वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर इंडियन आर्मी और स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि उन्हें दी। लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त अगर बात करें तो भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल के अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय सेना के एक ऑपरेशन में अपनी बहादुरी दिखाई थी और इसी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज उनका कह सकते हो शहीदी दिवस है, वो भी शहीदी है। बहुत बहादुरी से उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था 1997 में, जब वो कश्मीर घाटी में नौशहरा सेक्टर में डिप्लॉयड थे गोरखा बटालियन के साथ। तो खबर मिली थी कि एक घर में आतंकवाद छुपे पड़े जिनके पास बहुत तादाद में हथियार और गोला बारूद है। तो लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त ने अपनी टोली ली और उसकी तरफ रवाना हो गए। जैसे नज़दीक पहुंचे वहां से बहुत तादाद में फायर आई, ऑटोमेटिक वेपन थी। पुनीत ने अपनी टोली को रोका पीछे और पहले बोला कि पहले मैं आते जाता हूं आगे, देखता हूं क्या बर्बादी कर सकता हूं, फिर आप आए। वो आगे गए, उन्होंने एक हथगोला फेंका, फिर फायरिंग की, लेकिन आगे से बहुत ज़्यादा 45 घर था उसे फायर आया तो उनको गोली लग गई और वो जख्मी हो गए। लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त हमारे वीर सेनानी रहे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं की याद में यहाँ डिफेंस कॉलोनी कस्तूरबा नगर विधानसभा में ये पार्क उनको समर्पित है। 1997 के युद्ध में उन्होंने वीर गति पाई। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ये बलिदानी हैं जो सदा अमर रहते हैं। देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, देश के लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और आज यहाँ उनकी याद में एक बहुत बड़े फंक्शन का आयोजन किया है।